हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल इजी किचन हैक्स में। तो आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा अच्छी लगे तो प्लीज शेयर भी करिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, थोड़ा सा लहसुन और एक प्याज, इस तरीके से सारी ही वेजिटेबल्स को मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में काटा है। सेजवान चटनी, सोया सॉस और रेड चिली सॉस, ये सारी चीजें हमें लगने वाली है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है और यहाँ पे सिर्फ एक स्पून तेल आपको डालना है। तेल बहुत कम डालना है, ज्यादा तेल नहीं डालना है। तेल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाए हम लहसुन डाल देंगे, प्याज डालेंगे, अच्छी तरीके से भूनेंगे। प्याज को 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे थोड़ा सा पिंक कलर आने तक हम भूनेंगे। अब हम यहाँ पे गाजर डाल देंगे, शिमला मिर्च भी डाल देंगे। आप हाई टू मीडियम फ्लेम पे इसे 1 मिनट के लिए पका लीजिए। गाजर जैसे ही 1 मिनट के लिए भून जाए हम पत्ता गोभी डाल देंगे और इन सब्जियों को हमें हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भूनना है, पूरा नहीं पकाना है। तो इसे हम 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लेंगे। हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच भर के सेजवान चटनी। आप जितना बना रहे हैं उस हिसाब से सेजवान चटनी डालिए। 1 चम्मच भर के रेड चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब यहाँ पे हम नमक डालेंगे, पर नमक आप थोड़ा कम ही डालिए क्योंकि हमने जितने भी सॉसेस डाले हैं यहाँ पे उसमें नमक होता है। इन सब्जियों को हमें आधा कच्चा ही रखना है, तभी ये खाते समय क्रंची लगते हैं। हमारे स्प्रिंग रोल में भरने वाली सब्जी तैयार है। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इस सब्जी को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं स्प्रिंग रोल। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है। 1 कप मैदा में आप 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल दीजिए। थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि हमारी शीट में थोड़ा सा टेस्ट रहे। मैं यहाँ पे 3 चम्मच तेल डाल रही हूँ। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटा गूंथ लेंगे। तो पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ, फिर एकदम सॉफ्ट आटा तैयार कर लूंगी, जिस तरीके से हम रोटी के लिए तैयार करते हैं बिल्कुल वैसा। हमारा डो तैयार हो गया है। अब थोड़ा सा तेल लगा देंगे, इसे 10 मिनट के लिए हम साइड में रख देते हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं और एक बार फिर अच्छी तरीके से मसल लेंगे। मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है, तेल लिया है, इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे हम। पूरी के लिए आप जितना लेते हैं आटा उतना ही आटा आपको लेना है। 2 बॉल्स बना ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 बॉल्स बना दिए हैं और इसे हम सूखे आटे में डिप करेंगे और बेल लेंगे। ये देखिए, इतना छोटा पूरी की साइज का आप बेल लीजिए। 2 पूरी इस तरीके से हमने बेल ली है। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे तेल। तेल आप अच्छे से लगाइए, हर जगह हर कोने में लगाइए। दोनों पूरी में हम तेल लगाएंगे अच्छे से। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे और इस तरीके से अच्छे से फैला देंगे। थोड़ा ज्यादा डालिए। अब इसे एक दूसरे के ऊपर रख के अच्छे से प्रेस कर देंगे और इसे सूखे आटे में डिप करके हम बेलेंगे। किनारों पे आप ज्यादा जोर लगाइए, किनारे बहुत पतले कर दीजिए। किनारों पे हम जोर लगा के अच्छे से बेलेंगे और एक रोटी की साइज में हम इसे बेल लेंगे। अगर ये प्लेटफॉर्म पे चिपके तो आप सूखा आटा लगा सकते हैं। ये देखिए, ये हमने बेल लिया है। तवा अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इस पे ये रोटी डाल देंगे। गैस की फ्लेम को आप हाई रखिए। ये देखिए, थोड़े थोड़े बबल्स आ गए हैं, इसे हम पलट लेंगे। तरफ से भी 1 मिनट के लिए सेकेंगे, ज्यादा टाइम के लिए नहीं सेकना है। तरफ से 1-1 मिनट के लिए सेक लीजिए। ये देखिए, सेक करके तैयार है। तो इसे उतार लेते हैं।
तो ये देखिए ये दोनों तरफ से सिक गया है थोड़ा थोड़ा, और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो जहाँ से इसके किनारे निकल रहे हैं वहाँ से आप इसे धीरे धीरे हल्के हाथों से खींचते हुए निकालिए। ये देखिए हमारी शीट बन करके तैयार है, और आप देख सकते हैं कि ये इतनी ट्रांसपेरेंट है कि मेरी उंगलियाँ भी पीछे से दिख रही है। ये देखिए शीट भी तैयार है जिसमें हम स्टफ करेंगे, और सब्जी भी ठंडी हो चुकी है। मैंने यहाँ पे एक कटोरी में 2 स्पून मैदा लिया है, तो इस मैदे से हम एक पेस्ट बनाएंगे जो कि हम अपने शीट को चिपकाने के लिए यूज करेंगे। तो आप थोड़ा सा पानी डालिए, इसे फेविकॉल की तरह या कोलगेट की तरह जिस तरीके से थोड़ा गाढ़ा होता है उस तरीके का पेस्ट आपको बनाना है। थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए कोलगेट का पेस्ट जिस तरीके से होता है उस तरीके से बन चुका है, तो अब इसे रखते हैं साइड में। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक शीट ले ली है और इसके ऊपर हम थोड़ी सी सब्जी डालेंगे जो हमने तैयार करके रखी है। तो आप जितना चाहे उतनी सब्जी डाल सकते हैं, तो मैं 2 चम्मच के आसपास यहाँ सब्जी बीच में रख रही हूँ। हमने मैदे का ये जो पेस्ट बनाया है उसे हम इस तरीके से साइड में लगाएंगे और नीचे लगाएंगे, तो मतलब हमने इसे किनारों पे लगा लिया है। ये देखिए इस तरीके से अब हमें क्या करना है, इसे बहुत टाइट हम फोल्ड करेंगे, जितना टाइट आप कर सकते हैं उतना टाइट फोल्ड करिए, और यहाँ से भी बंद करेंगे और यहाँ से भी बंद करेंगे, और एकदम टाइट इसे हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, तो ये देखिए एक रोल हमारा बन करके तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि एक रोल हमारा बन करके तैयार है, इसी तरीके से हम बाकी के रोल भी बनाएंगे। पेस्ट लगाने में आप कंजूसी मत करिएगा, अच्छे से लगाइएगा। ये देखिए इस तरीके से रखिए, और आपसे जितना टाइट हो सकता है उतना टाइट फोल्ड करिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे 4 स्प्रिंग रोल तैयार हो गए हैं। मैं इसे आपको डीप फ्राई करके दिखाती हूँ। तेल एकदम अच्छा गर्म हो चुका है और गैस की फ्लेम को हम मीडियम रख कर देंगे। जब तेल बहुत अच्छा गर्म हो जाए तब गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और एक एक रोल हम इसमें डालेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे क्रिस्पी होने तक, लाइट ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कलर में ब्राउन कलर में आ चुका है और काफ़ी क्रिस्पी भी हो गया है। एक्स्ट्रा तेल निखारते हुए आप इसे निकाल दीजिए। गैस की फ्लेम को यहाँ बंद कर देंगे। फ्रेंड्स हमारा स्प्रिंग रोल बन करके तैयार है। आप इसे सेजवान चटनी या टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आप इसे आधे टुकड़े में काट के भी सर्व कर सकते हैं, या फिर आप अगर इसे मेरी तरह छोटा छोटा बना रहे हैं तो आप इसे एक एक ऐसे बिना काटे पूरा भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।